उनकी समृद्धि, उनके लिए काम करना ही उनका लक्ष्य है और कुछ नहीं। तो इसलिए जितना विकास इस समय हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। अब कांग्रेस की सरकारें थी, क्या था कांग्रेस की सरकारों में, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता, उसके आगे तो सोचा ही कभी कुछ नहीं। एक परिवार की पार्टी। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कितना विशाल हृदय है, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बोलते हैं, अपना परिवार बोलते हैं। और हम भी बड़े गौरवान्वित होते हैं जब हम लोग कहते हैं कि मैं मोदी का परिवार हूं। इसलिए सारे विकास के काम हो रहे हैं। तो दिल्ली में इतना पैसा है, लाने वाला चाहिए। और प्रभु की कृपा से इतना विजन भी है, इतना दिमाग भी है कि दिल्ली से पैसा कैसे लेकर आना है मुझे पता है। लेकर आएंगे, टूरिज्म के लिए लेकर आएंगे, सड़कों के लिए लेकर आएंगे, इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी कैसे ठीक हो उसके लिए लेकर आएंगे। दिल्ली से पैसा लेकर आना मेरा काम सांसद के नाते, और आपके क्षेत्र में उस पैसे से विकास करवाना डीएस ठाकुर का काम विधायक के नाते। हम दोनों भाई मिलकर एक दूसरे का पूरक बनके, इस क्षेत्र के विकास में चार चांद लगा देंगे, मैं ये आपको कहना चाहता हूं। पहले से इस क्षेत्र के लिए काम होना शुरू हो गया है। अब चंबा जिला पिछड़ा जिला था, अब किसने सुध ली इस चंबा जिला की, इसकी भी सुध यदि किसने ली तो नरेंद्र भाई मोदी ने ली। कैसे सुध ली, इसको आकांक्षी जिला का दर्जा देकर, इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देकर। जो जिला पिछड़ा होता है यदि उसको आकांक्षी जिला का दर्जा मिल जाए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिल जाए, तो उसको केंद्र की ओर से एडिशनल फंड आते हैं। और फंड किस क्षेत्र में आते हैं, स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा, इन तीन क्षेत्रों में केंद्र की ओर से एडिशनल फंड आता है। उसके लिए किया, जयराम ठाकुर जी की जब सरकार थी तो इस क्षेत्र के लिए बहुत अधिक विकास करने का प्रयत्न हुआ आकांक्षी जिला के रूप में। लेकिन आज 17 महीने से 16 महीने से कांग्रेस की सरकार है, एक भी डीपीआर तैयार कर दिल्ली नहीं भेज पाई ये सरकार, एक भी डीपीआर तैयार कर दिल्ली नहीं भेज पाई। आपसे एक वादा करता हूं कि सांसद बनकर गया तो जिला चंबा और पूरा कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र, इसको टूरिज्म की दृष्टि से एक्सप्लोर करेंगे और करके रहेंगे। अब दिल्ली में बहुत पैसा है, क्योंकि ईमानदार प्रधानमंत्री समय दिल्ली पर राज कर रहे हैं।